प्रेगनेंसी के बाद मेरा फोरहेड में पिंपल स्टार्ट हो गया। बहुत पिंपल्स था, कोई कोई क्रीम में स्किन मेरा जल जा रहा था। मतलब अगर अप्लाई भी कर ली क्रीम जो है तो उसी पर्सन मेरा ब्लैक हो जाता था। छोटी बहन से, मेरी छोटी बहन रहती है तो वो यूज करती थी पहले, तो फिर मैंने उसको बात करके मैंने यूज करना स्टार्ट की हूँ। फिर की स्किन से मेरा फोटो भेजी, लग रहा था कि चलो फोटो में सारे चीज प्रोमिनेंट हो जाता है, कि मुझे लगा चलो ये सही तरीका है कि डॉक्टर को पता चलता है कि ये फोटो लेने के बाद ही ये पिंपल्स कहाँ है, वो पिंपल्स कहाँ है, वो रेड मार्क करके आ जाता है कि आपका पूरा स्पॉट कहाँ है। मुझे 15 डेज लग गया, क्योंकि ना मेरा एक्चुअली पिंपल्स बहुत हुआ था फोरहेड में, ओनली फोरहेड में। इसके लिए जो दवाई दिए थे वो मेरा एक्चुअली बहुत जल्दी काम कर गया। क्रीम भी मैंने यूज की जो उसमें मुझे कोई साइड इफेक्ट पता नहीं चला कि वो है भी नहीं था, क्योंकि ना स्किन में एक कलर भी चेंज हो जाता है। जब मैं पहले स्किन का कोई भी प्रोडक्ट यूज करती तो उसमें क्या मेरा ब्लैकिश हो जाता था बहुत, मैंने बहुत जगह में नोटिस की हूँ, तो कभी फोरहेड में यहाँ पे मैंने ब्लैक टाइप का हो जाता था। बट क्योर स्किन का क्रीम मुझे क्या लगता है, थोड़ा स्मूथ लगता है, जिसमें मैंने बहुत सालों से यूज करती हूँ। कभी कभी पिंपल्स हो भी जाता है, फिर मैंने चेकअप कर लेती हूँ तो उसमें मेरा कम हो जाता है। डॉक्टर चेकअप के लेके ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, बट जो क्योर स्किन का ऐप होता है उसका नीचे में आता है कि डाइट प्लान में क्या पानी पीना चाहिए या फ्रूट्स लेना चाहिए, उसको एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ। बड़ा बात है कि डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है और आप घर बैठे बैठे आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, डॉक्टर चेकअप भी हो जाता है। अभी मेरा वही होता है कि हाँ मैं फोटो भेज देती हूँ, मेरा सारा चीज आ जाता है, बस इजी हो जाता है।